फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आई एम हियर अगेन न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर इज 4। चैप्टर नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट हम किसका करेंगे? क्वाड्रिलेटर का हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। क्वाड्रिलेटर में हमारी 4 साइड होती हैं। अब 4 साइड किस किस में और होती हैं? स्क्वायर में होती हैं, रेक्टेंगल में होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं। पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होती हैं। सो स्टार्ट नाउ, हम इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ 4 साइड एंड अ डायगोनल इज गिवन PQRS। ये हमारा एग्जांपल है। और इसमें क्या कहा गया है? हमारे पास 4 साइड्स है एंड उसका 1 डायगोनल हमें गिवन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जांपल दिया है PQRS। वो फिगर क्या है हमारा? PQRS है। हमें PQ कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। RS कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। QR कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। देन PS कितना दिया गया है? 5.5 सेंटीमीटर। PRS 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एक्सरसाइज में सम्स आएंगे, हम उनमें एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर बना के हम इस सम को सॉल्व करेंगे। देखिए, दिस इज अ रफ फिगर। तो नेम दे देते हैं PQRS। ओके, अब QR PQ कितना हमारा? 4 सेंटीमीटर। RS कितना हमारा? 5 सेंटीमीटर। QR कितना है? 6 सेंटीमीटर। PS कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है हमारा? डायगोनल होता है। जो हमारी बीच में लाइन होती है, डायगोनल होता है। उसने कहा था ना कि 4 साइड्स तो हमको गिवन होंगी, देन 1 डायगोनल भी हमको गिवन होगा। तो ये डायगोनल है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसका नाम क्या होगा? पी एंड आर। स्केल से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद अगर हम इसको सीधा करेंगे तो एस ऊपर आएगा, देन क्यू नीचे आएगा। एस ऊपर, देन क्यू नीचे। अब देखिए, हमें पी एस कितना दिया गया है? 5.5 सेंटीमीटर। सो हम स्केल एंड कंपास लेंगे। कंपास से स्केल से कंपास को 5.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। कर लिया। तो इसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से कंपास को रखेंगे, देन यहाँ एक आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमारा आर एस इज 5 सेंटीमीटर। फिर से स्केल एंड कंपास लेंगे, 5 सेंटीमीटर का मेजर करेंगे, देन एक आर्क लगाएंगे। सो ये आर्क इसको कट करेगी। ये हो रहा है ना, कट। सो दिस पॉइंट इज एस। उसके बाद हमारा पी एंड क्यू इज 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। उसके बाद पी एस भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब आई हमारी पी क्यू की बारी। पी क्यू हमें 4 गिवन है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम ऐसे करेंगे। कंपास एंड स्केल लेंगे। कंपास स्केल को हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास को, देन एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे रख के देन नीचे वाला एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। इससे ये भी हो गया हमारा। पी एंड क्यू इज 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के एक आर्क लगाएंगे। सो इसको कट करेंगे। सो दिस पॉइंट इज क्यू। इसके बाद हम इसको अटैच कर देंगे। ओके, जब आप स्केल एंड कंपास से बनाओगे तो ये एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लेंथ ऑफ 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स। मींस अब देखिए, इसमें हमें 4 साइड गिवन थी एंड 1 डायगोनल। इसमें हमें 2 डायगोनल गिवन एंड 3 साइड्स।
साइड टू वन, थ्री साइड कैसे करेंगे, ए बी सी एग्जाम्पल है हमारे पास, बी सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था, जो भी हम सम लेंगे उसमें एक रफ फिगर जरूर बनाएंगे। तो देखिए हम रफ फिगर बनाते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी। ओके, अब हमारा बी सी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। ए डी क्या है हमारा, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी, सी डी इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सी डी 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब है ए सी, ए सी देखो वन डायगनल, ए सी इज 5.5 सेंटीमीटर। बी डी, बी डी 7 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम ए सी कितने सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए सी हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। अब ऊपर डी आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा, सेम फर्स्ट वाले की तरह था। अब इसमें क्या करेंगे, एडी, एडी कितना हमारा, 5.5 सेंटीमीटर। सो एडी में एक आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की, देन सी डी इज 5 सेंटीमीटर, सो एक कट हो जाएगा। नेक्स्ट सी बी, सी बी इज 4.5 सेंटीमीटर, तो आर्क लगाएंगे। अब हमारे पास ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, सो हम ए बी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास डी बी है, डी बी इज 7 सेंटीमीटर, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, देन 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे एंड एक आर्क लगाएंगे, यहाँ यहाँ पे रख के नीचे एक आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर, सो एक कट हो जाएगी। सो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी। इसके बाद इसको हम अटैच कर देंगे, सो ये क्या हो गई 7 सेंटीमीटर वाली लाइन। सो अब हम अटैच कर देंगे, सो ये आ गया हमारा टॉपिक नंबर सेकंड का आंसर। देन नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक में क्या है हमारा, लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल गिवन एडजेसेंट। सेम इन्हीं की तरह हम एक रफ फिगर लेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, एम आई एस टी मेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिगर लेंगे एम आई एस टी, एम आई इज 3.5 सेंटीमीटर एंड आई एस इज 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल गिवन है, उन्होंने बोला था ना टू एडजेसेंट हो गए हमारे, अब हमें एंगल गिवन है, एंगल क्या है 75 120। अब एडजेसेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है, सो सामने वाले नंबर एडजेसेंट होते हैं। ओके, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, नीचे वाली लाइन क्या ले लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर की। ओके, 6.5 सेंटीमीटर की हम लाइन ले लेंगे, I is I S। अब हम इसमें क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली, उसके बाद हमें एंगल I एंड एंगल S गिवन है, सॉरी हम अगर हम ऐसे करेंगे M I, ओके M I हमको दोनों एंगल गिवन है, सो हम इसमें क्या करेंगे, कब डी लेंगे, इसमें हमारा डी प्रयोग यूज होगा, सो डी से हम एंगल बनाएंगे 75 का। 75 किस किस के बीच में आता है, 16 टू 90 के बीच में, दिस इज 16 एंड 90, इनके बीच में आएगा 75, 75 यहाँ पे आ जाएगा, 75
जब आप स्केल एंड डी से इसको मेजर करोगे तो एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा एंगल आई, एंगल आई क्या है हमारा 105 किस किस के बीच में आता है 19 एंड 180। ओके 105 यहाँ पे आ जाएगा। सो अब हमारा M यहाँ पे क्या आ जाएगा S की भी हमें निकालनी है। सो दिस पॉइंट इज S, I और S कितना हमारा 6.5 सेंटीमीटर। सो हम स्केल सॉरी कंपास से 6.5 सेंटीमीटर के एक आर लगाएंगे। ओके सो अब हमें ऐसे एंगल S गिवन है, कितना है 120। सो 120 किस किस के बीच में आता है 19 to 80। सो यहाँ पे आ जाएगा 120। ओके सो हम इसको इधर साइड ले जाएंगे, यानी यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा। सो क्या हो गया MISTE, ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। ऐसे करना हमको थर्ड टॉपिक नेक्स्ट। नाउ द फोर टॉपिक, अब हम फोर टॉपिक को करेंगे। फोर टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। हमें साइड थ्री गिवन है एंड इंक्लूडिंग एंगल टू गिवन है। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, फिर से एक रफ फिगर बनाएंगे। ओके रफ फिगर में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी लेंगे, ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 सेंटीमीटर, सी डी इज 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल गिवन है 2, तो एंगल क्या है, एंगल बी इज 105 एंड एंगल सी इज 70। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, बेस हम क्या लेंगे, बीसी बेस लेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सेम उसी की तरह बीसी पे क्या बन गया हमारा 0.5 इसके बीच में आता है 19 to 80। सो यहाँ पे आ जाएगा 105। उसके बाद एंगल सी, एंगल सी किस किसके बीच में आता है 9 16 to 19। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल 17। अब हमें एंगल बी ए कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम कंपास से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे, देन सी डी इज 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, देन इनको अटैच करेंगे। सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज डी, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सम स्पेशल केसेस, मींस स्पेशल केसेस पे। स्पेशल केसेस क्या है, स्फीयर विद साइड 4.5 लिख लेते हैं। साइड 4.5 ओके। अब स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी हमें एक साइड गिवन है, एक साइड है 4.5। सो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, देन एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। सो अगर हमारी 4.5 एक है तो दूसरी भी 4.5 होगी एंड थर्ड भी है, फोर्थ भी, और उनका एंगल का सम कितना होता है 19। सो इसीलिए सॉल्व हो जाएगा, हम ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ओके 4.5 लिख देंगे क्योंकि 4.5 है हमारे पास। अब आप इजीली एंगल डी को रख के 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, सेम इसमें ऐसे प्रोसेस करोगे रखा। ओके अब हमें एंगल ए एंड डी कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो हमें कंपास को यहाँ रखेंगे एंड 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, देन बीसी हमको कितना दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे।
तो दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, इनको अटैच कर देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल था हमारा। ओके, सो ये था हमारा स्क्वायर विद साइड्स। नेक्स्ट हमारा रोम्बस विद टू डायगोनल्स, ए सी इज 6 सेंटीमीटर, बी ए इज 7 सेंटीमीटर। मींस हमें टू डायगोनल्स गिवन है, टू डायगोनल्स देखिए हमारे पास ये रोम्बस है, इसमें डायगोनल्स हमको टू गिवन है, तो हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। सो हमें ए सी कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड बी डी सॉरी बी ए बी डी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो हम कोई भी एक हम ले लेंगे ए सी को, ए सी डायगोनल वाला बेस ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, स्केल से ड्रॉ करके 6 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेंगे, देन बी ऊपर आ जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा एंड बी नीचे आ जाएगा। सो देखिए हमारे पास इसमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, सो हम कंपास को कितना भी ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, देन जितना यहाँ पे ऊपर गया था ऐसे यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, सेम ऐसे नीचे करेंगे, जितना हमने ऊपर लिया था उतना यहाँ नीचे लेंगे, सो इसको अटैच कर देंगे। सो हमारा डी और बी कितना था, डी बी इज 7 सेंटीमीटर, सो हम 7 सेंटीमीटर लेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर कितना हाफ कितना होगा 3.5। ओके, 3.5 का ऊपर आर्क लगाएंगे, देन 3.5 का नीचे आर्क लगाएंगे, ऊपर एंड नीचे, फिर इसको अटैच कर देंगे। सो हो जाएगा हमारा रोम्बस विद टू डायगोनल्स। थैंक्स।